अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मलिक फरहान और आज हम अपना एक शो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनसाइड एज। इस शो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे टॉपिक्स पे रिगार्डिंग क्रिकेट। सबसे पहले अपनी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने आज वेस्ट इंडीज को बड़े अच्छे तरीके से एक फाइटिंग मैच के बाद हराया। तो अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मिस्टर साद मसूद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फरहान साहब। थैंक यू सो मच मिस्टर नसीम। थैंक यू फरहान भाई। ओके, हम अपने शो का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो जनाब बताएं कैसा लगा आज का मैच? आज का मैच अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा जीता। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिस तरह से इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगर आप देखें, खास तौर पे हसन अली, आई कैन से ही बोल्ड रियली वेल। ठीक है, यस, हसन अली बोल्ड रियली वेल। यस नसीम भाई, व्हाट यू टेक ऑन इट? हसन अली ने क्या किया? एक विकेट भी नहीं लिया। लेकिन सर दूसरी बात हसन अली पे आप ये है ना कि हसन अली ने देखे नसीम भाई, पहला मैच है भाई, एक मिनट, पहला मैच है, 68 runs, मैं आपको बताता हूँ, जीरो विकेट, मैं आपको बताता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? जी बोले। हसन अली अभी काउंटी से कमबैक करके आ रहा है, ठीक है, यूके में एक चैंपियंस जो इनकी काउंटी लीग थी इन्होंने खेली है। अच्छा। जेम्स एंडरसन की टीम में था और जेम्स एंडरसन के कमेंट्स हसन अली के बारे में ये थे कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला एट द एज ऑफ 42। जिस बंदे का इतना एक्सपीरियंस है, जिस बंदे ने इतना सर्व किया है इंग्लिश क्रिकेट को, वो बंदा ये कह रहा है कि मुझे इससे सीखने को मिला। फर्स्ट मैच है, आप फर्स्ट मैच पे कभी भी उसको ये जज नहीं कर सकते कि उसने उसने चांसेस निकाले या उसने वेरिएशन भी शो किए। आई डिसएग्री विद यू। व्हाई? ओके, मैं इसलिए डिसएग्री करूंगा कि क्योंकि वहां पे इनको पाउंड्स मिलते हैं, आपको पता सेमीफाइनल ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया से आप मैच हारे हैं। अच्छा, क्या उसमें जोर लगा के बॉलिंग करवा रहा था? उसने उसमें क्या कमाल किया? उसमें उसने कटर्स किए, क्या कमाल किया? बॉलिंग उसकी अच्छी थी, फील्डिंग की वजह से विकेट लिए उसने। मैन ऑफ द सीरीज तो था ना? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो जो पाकिस्तान जीता था उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज था। मुझे आप एक बात बताएं कि शायद अफरीदी ने 2009 के T20 वर्ल्ड कप में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आई डिसएग्री विद दैट। नहीं मतलब वो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल में उसने परफॉर्म किया, वो फ्लूक उसको लग गई। अच्छा, अब उस फ्लूक की बेस पे आप मुझे ये बोलेंगे कि 2018 में भी उसको खिलाना चाहिए? ऐसा नहीं होता सर, नहीं खिलाना चाहिए। अब अगर एक चांसेस हसन अली को मिले, देखो एक चैंपियंस ट्रॉफी उसने बॉलिंग अच्छी किया, उसके बाद अभी जो हमारा मेन वर्ल्ड कप था T20 वर्ल्ड कप हरा दिया कि नहीं हरा दिया? पूरा जो कैच ड्रॉप किया और इसकी बॉलिंग वगैरह देखो, पूरा वर्ल्ड कप हरा दिया उसने। तब भी बाबर आजम ने ये दिल बड़ा किया उसको दोबारा। मैं आज ये बता रहा हूँ, बाबर आजम जब तक आपका टीम का कैप्टन है, हसन अली इज नॉट गोइंग एनीवेयर। यस, हसन अली होगा आपका एग्जैक्टली। ये बाबर आजम का एक बड़ा पन है कि हसन अली को, हसन अली जिसका अपना टीम है उसको नहीं करा दे। मुझे लेकिन एक हसन अली और भी बहुत सारे लायबिलिटी है अपनी टीम में। एग्जैक्टली लायबिलिटी है, उसको उसकी जगह पे किसी यंगस्टर को चाहिए। मेरे से पूछे मोहम्मद वसीम को चाहिए। मैं अबे मोहम्मद वसीम को छोड़ो, मेरा वसीम भी बेस्ट टीम शॉट। लेकिन दूसरी बात ये है वसीम शॉट वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं, वो अपनी फॉर्म में अपने आप को लेके आना चाह रहा है। और वो मैं कहता हूँ हसन अली से बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट जब तक बाबर आजम टीम का कैप्टन है, शादाब कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। उसका जो एक प्रॉब्लम है शादाब का, मुझे हमेशा उससे ये प्रॉब्लम रहेगा कि उसकी फिटनेस जो है ना, ही नीड्स टू वर्क ऑन शादाब। शादाब से मैं डिसएग्री नहीं करता हूं ना आप लोगों से। सर क्या बात कर रहे हैं आप? हर एक सीरीज के बाद उसको इंजरी। आज आपने कैच सीरीज के बाद उसको, आज आपने कैच देखे, कैच कर लेने से मींस कि वो फिट है, तो अब वो भागदौर कर रहे हैं ना फील्ड के ऊपर, अब वो फिट नहीं। शादाब की बात ये है कि
उसने बॉलिंग पे इतना भी फोकस नहीं, उसके बॉल में ठहराना भी नहीं हो रहा शादाब की। सर अभी वो फील्डिंग अच्छी कर रहा है और सर बैटिंग पे आया है, बाकी उसकी बॉलिंग में खास नहीं। मैं ये बोलूंगा कि शादाब इज अ ग्रेट एसेट, अगर हम उसकी फ्यूचर की बात करें ही इज अ ग्रेट एसेट। आपने पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं देखा जिसमें से चार विकेट ली थी? फरहान साहब जो है प्रेडिक्टेड दैट एज वेल, चार विकेट हमने प्रेडिक्ट ली, दो दिन हम लोग खुद ही मैच देख रहे थे, बिल्कुल आपने प्रेडिक्ट की थी। और यू आर द सेम गाय जो आज ये बोल रहे हो कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं परफॉर्मेंस, एम आई स्पीकिंग अबाउट हिज परफॉर्मेंस? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज फिटनेस। जब तक आपकी फिटनेस नहीं होती, आप एक कंसिस्टेंट पार्ट नहीं होते हो, आप एक टीम के वाइस कैप्टन हो। सर जो भी टेस्ट में हमेशा वो बंदा पॉइंट्स लेता है, ठीक है। अच्छा आपके पास इंजर्ड हो जाना कौन सी फिटनेस है? तो इंजर्ड, इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम, किसी को भी हो सकती है। बेन स्टोक्स ने दो साल के बाद टेस्ट में कमबैक किया, ठीक है, दो साल के बाद उसे टेस्ट में कमबैक किया, उसको भी इंजरी हुई है। अब आप ये कहो कि वो प्लेयर अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, आप जरा स्टैट्स निकालें, पिछले तीन साल में शादाब ने कितने वनडे इंटरनेशनल खेले हैं? अच्छा, मैं खुद ही पता चल रहा है शादाब स्ट्रगल करता है अपनी बैटिंग पे, जिसको उसको अपनी बैटिंग पे वर्क करने की जरूरत है। बॉलिंग की जहां तक बात है, फील्डिंग की जहां तक बात है, आपकी टीम में उस जैसा एक भी फील्डर नहीं है। फील्डिंग अच्छी कर रहा है लेकिन अभी उसकी बॉलिंग में उसको नहीं। अब आ जाते हैं ना, आज हमारा जो सबसे वो है हारिस रऊफ, पिंडी बॉय एग्जैक्टली। तो हारिस रऊफ अभी जब उधर जिस तरह आपकी बात है लेके जाते हो आप लीग्स वगैरह में, ऐसे खेलता है और जब अपनी बारी होती है तो उल्टा से फेंकता है ये वाइड, और आज जो उसने किया है लेकिन आपको ये चार के लिए है लेकिन 70 रन दिए भाई, 77 रन दिए। डिसएग्री इस वजह से करूंगा क्योंकि जब आप फट्टा पिचे बनाएंगे ना, फट्टा पिचे बनाएंगे, आपके बॉलर्स के साथ यही होना है, यही बॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं मेलबर्न की टीम में ये हारिस रऊफ खेलता है, मेलबर्न की टीम में आई गेस, मुझे नाम अगर नहीं याद प्रॉपरली, मैक्सवेल की टीम में खेलता है, वहां पे टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज्यादा पेस, सबसे ज्यादा बाउंस इसको मिलता है। अब जब फट्टा पिचे पाकिस्तान में आप बनाते हैं तो उसमें ना पेस है, ना सीम है, ना मूवमेंट है, ना स्पिन है, कैसे वो बंदा परफॉर्म करे? सेम गोस फॉर हसन अली, सेम गोस फॉर सैयद शाफी। मैं जरा हारिस रऊफ के कुछ स्टैट्स चेक करना चाह रहा हूं, मैं जरा क्रिक इन्फो पे जाके जरा इसके स्टैट्स चेक करते हैं हारिस रऊफ के। मैं जस्ट वांट टू सी 77, और मैं आपको कोच भी बता दूं कि जिस विकेट के ऊपर सर आप खेल रहे हैं, आपने बोला कि हारिस रऊफ इज डूइंग ग्रेट, ऐसे ही ना? Have you seen his performance in the match against Australia and England? अभी एक भाई एक मैच से नहीं जज कर सकते, he is a big match player नसीम भाई। हारिस रऊफ ने 12 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, ठीक है, 12 वनडे इंटरनेशनल में हारिस रऊफ की 23 विकेट हैं टोटल। इकॉनमी रेट कितना होना चाहिए एक अच्छे बॉलर का? मैं आजकल के दौर में अबव 7 ही जा रहा होगा। अबव 7 इज अ क्रूड इकॉनमी रेट आजकल के दौर में, इट्स वेरी रीजनेबल सर, 400-350 स्कोर होते हैं, क्रिकेट है सर। आप चेक करें उसका इकॉनमी रेट। हेजलवुड का 7 का स्ट्राइक रेट है, हेजलवुड का आई एम नॉट श्योर, बट स्टार्क 7 का स्ट्राइक रेट। यू आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट बॉलर स्टार्क जो है, स्टार्क भूल गए जो फखर जमान ने स्टार्क के साथ किया था, वन ऑफ, दैट्स वन ऑफ मैन, इट्स नॉट एवरीडे, बट दैट वाज अ बिग मैच। रेट का मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस पिछले इतने मैचों की ये कंसिस्टेंट है, 6 का इकोनॉमी रेट है उसका। अब 6 का इकोनॉमी रेट ये कि हर मैच में इसने 60 रन देने ही देने हैं। हम थोड़ा सा इसी के ऊपर नजर डालते हैं, हमारा जो दूसरा चीता है बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ ये हो रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा थी भी, और उसको रेस्ट नहीं दी जिस अफरीदी बार बार बोलता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा है। शाहीन के स्टैट्स में 61 विकेट्स हैं, 6 for 35 उसका बेस्ट है, 23 की एवरेज है और 5.5 का इकॉनमी रेट है, 2 5-fours and 5 4-fours. Ab, that tells you one thing. He's a match winner. That tells you one thing. जब पांच विकेट लेने वाला एक बॉलर है ना, उसने एक दफा पांच विकेट नहीं ली। आप मुझे ये बात बताएं। हारिस रऊफ विकेट टेकर है। सर, आप मुझे ये बात बताएं।
उसको बिल्कुल भूल गए हैं कि मैथ्यू वेड ने इसके साथ क्या किया था। ये तो हो सकता है, जब विराट को युवराज सिंह ने 6 के 6 छक्के मारे थे तो क्या उसको कैप्टन या इसने निकाला, तो उसके बाद कितना जबरदस्त कम बैक किया उसने दूसरे वर्ल्ड कप में। सईद अजमल था, सईद अजमल को मैसी ने हसी ने एक ओवर में कुछ 23 रन सेमीफाइनल रन था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आई डू रिमेम्बर दैट सईद अजमल केम बैक एज अ ग्रेट बॉलर। इंग्लैंड का जो ऑलराउंडर है जिसको वेस्ट इंडीज वाले ने मारे थे वर्ल्ड कप में, वही था जो कि न्यूजीलैंड से आया और उसने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जिताया। हो सकता है कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये शाहीन जो है ना इंशाल्लाह ही विल बी बट मैं आपको ये कहूं कि थोड़ा सा शाहीन को भी जो है पेशेंस की जरूरत है, वो समटाइम्स ही गेट ओवर एक्साइटेड और उसमें वर्कलोड ज्यादा तो आप ये देखें कि फिर तो ये किसने देखना है, ये मैनेजमेंट का काम है ना, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि किसी प्लेयर के ऊपर उतना आप वर्कलोड लेके जितनी उसकी बॉडी। इस बात के ऊपर मैं आपके हसन अली का साथ दूंगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। हसन अली जब बहुत ज्यादा विकेट ले रहा था ना, जब अपने पीक पे था अपने उस वक्त, इसके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड इन्होंने डाल दिया ना, ऑल ऑफ अ सडन ही गॉट एन इंजरी। उसको इंजरी हुई ना, क्योंकि पाकिस्तान में ये बड़ा मैन मैनेजमेंट जो है ना बहुत सख्त खराब है, उस उनको मैनेज नहीं करना आता, अपनी अपने जो स्टार्स है ना उनको मैनेज करना नहीं आता। ये टीवी शो में ना पिछले अरसे में ये जो जियो में एक शो चलती है उसमें वकारी नस का डेमी म्यूजियम से आया था, तो कमरान अकमल एक होस्ट था, तो उसने यही कहा कि हमारे सबसे प्रॉब्लम कोचेस का होता है, ये वकारी नस ने इन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। हसन अली लोगों के साथ ये हुई है, हसन को इंजरी हुई, इंजरी की रिकवरी के लिए वो जो कैंप में वो जाते हैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई कि उससे उसकी कमर फारिग हो। फरहान साहब यही बात इमरान अकमल कर रहा है, आपके बारे में तो बहुत ज्यादा बड़े यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा प्लेयर को, उसने इंजरी के बाद इंजरी से रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद कायदे आजम ट्रॉफी उसने खेली, कायदे आजम ट्रॉफी में ही वाज हाईएस्ट विकेट टेकर, उसके बाद वो उसने कमबैक दोबारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 2 या 3 5 भी लिए थे जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई थी, यस ही प्रूव्ड हिज वर्थ। उसके बाद उस थोड़ा सा वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उससे परफॉर्म नहीं हो सका वर्ल्ड कप के अंदर, आपने ये उसको बैश करना शुरू कर दिया, बट ही स्टिल योर मैच विनर। थोड़ा सा उसको ये है कि हसन अली को वो हमारे वो जो वर्ल्ड कप था जिसने वो हरवाया था हसन अली की वजह, फिर भी लोगों ने उसका साथ दिया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं ये यहाँ पे ये बात ऐड करता हूं, उसने क्रूशल विकेट जो है ना वन डाउन उसने ली थी, इफ यू रिमेम्बर जो इंडिया के साथ हमारा मैच था उसमें उसने क्रूशियल विकेट ली थी, और उसके बाद जो असल में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था वो कैच की वजह से हम लोग हारे, कैच हसन अली के अलावा पूरी T20 में इसकी बॉलिंग देखो हसन अली की किस तरह बॉलिंग किया था उसने, पूरे T20 वर्ल्ड सबसे ज्यादा रन तो इसने दिए थे, सबसे ज्यादा बेहतर रिप्लेसमेंट ऑफ हसन अली एट द मोमेंट। हमारे साथ जो PSL में a lot of replacement PSL में देखो आज की बात करें, नसीम भाई मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, अगर आज की मैच की बात करें ना, आज की मैच में एक चीज गलत हुई है, मेरी बात सुने मैं बताता हूँ क्या। आप लोगों ने डेब्यू कराया एक बच्चे को, मोहम्मद आरस नाम का बच्चा है, वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत ज्यादा वेरी अग्रेसिव। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, यहाँ पे मैनेजमेंट कम्स इनटू द प्ले। उसकी रीजन ये है कि जब भी आपको आप देखते हैं कोई टैलेंट, आप उसको ग्रूम करने के बजाय, 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया PSL के अंदर, पिशावर जलमी की टीम में खेल रहा था हारिस, 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया,
उठा के टीम के कैंप में ले आए और अभी डेब्यू करवा दिया यार, उसको एक एक स्ट्रक्चर से तो गुजारो ना। चलो आज फिर बात करेंगे। बात करना चाह रहा था बेसिकली, मेरा अपनी राय ये थी कि इंस्टेड ऑफ नॉट गिविंग हिम अ चांस टू बैट, दे शुड हैव गिवन हिम अ चांस व्हेन बाबर आजम गॉट आउट, दे शुड हैव अलाउड हिम टू कम इंस्टेड ऑफ यू नो द अदर प्लेयर्स। अभी जो आप बात करेंगे ना, सबसे अभी जो बॉलर पे तो खैर हो गया, जो आप लोगों ने जो आज की जो मैन हम बात करें खोरदेल शाह पे, मैन ऑफ द मैच है, यस बड़ा ज्यादा इंप्रूव किया उसने पीएसएल से, यही खोरदेल शाह था तनकीद कर रहे थे, यही जो हमारे सीनियर प्लेयर थे ना खिलाओ इसको लेके जाओ ये चीज है, ऐसा इंप्रूव किया ना चक्के छोड़ा है वाकई। यस पीएसएल से जो आया है ये आया नेशनल टी ट्वेंटी जो सबसे ज्यादा रन उसने वहां पे, इसने एक सेंचुरी बनाई थी आउट ऑफ द वे जाके, इसने मैच जो है वो नहीं उसमें एक जो नेशनल टी ट्वेंटी था उसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर इसके थे और सेंचुरी भी इसने की जिसकी वजह से ये टीम में आया था, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उसके बाद परफॉर्म किया बांग्लादेश का टूर था, बांग्लादेश के खास ये जो लास्ट पीएसएल था उसमें से आज जो बॉलिंग ट्रैक उसने अच्छे एंड पे रन। इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, आपको लगता है खुशदिल शाह के पीछे कौन था? खुशदिल शाह मुझे को लाने के नहीं, खुशदिल शाह की जो के ग्रूमिंग के पीछे कौन था? मुझे लगता है शायद मिसबाह उमर को। नो मोहम्मद रिजवान। यस मोहम्मद रिजवान। यस उसको बॉलिंग उसने दिया, उसको उसी टाइम पे उसको चांस जो मिला हिट करने के लिए उसको कॉन्फिडेंस मिला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अगर रिजवान नहीं था ना तो खुशदिल शाह का जो करियर था वो खत्म था। देखे मैं यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ रिजवान को बहुत ज्यादा, क्योंकि उसकी मेन रीजन ये है नसीम, लेकिन उसने जो बॉलिंग पे उसको मौके दिए है ना वो खुशदिल शाह को बॉलिंग पे कितना फिट बॉलिंग उसने, इट गिव हिम कॉन्फिडेंस। यस लेकिन मैं फ्रांस अब यहाँ पे एक बात भी ऐड करता हूँ, वेयर इज इमाद वसीम? इमाद वसीम का बहुत अच्छा रिप्लेस है खुशदिल शाह। इमाद वसीम से पहले मैं बात करूंगा खुशदिल शाह पे, अगर आप मेरे से पूछे ना तो मैं आई वाज द हेटर, यू नो आई यूज्ड टू हेट दिस गाय। यस अ लॉट ऑफ पीपल। बैटिंग स्टाइल था मेरी नजर से अगर देखे ना तो मुझे ये लगता था कि ये टुलर है। इस डे एंड एज में और द काइंड ऑफ क्रिकेट इट इज प्लेड राइट नाउ इसमें हमें इस तरह के प्लेयर्स की बहुत जरूरत है सीरियसली, क्योंकि आजकल क्रिकेट हो गई है फटा पेस्ट, ठीक है फटा पेस्ट पे चलती है सारी पिचे होती है फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट एज यू कुड कॉल इट। फरहान साहब दूसरी मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि द गाय हु वॉन यू द चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट सरफराज अहमद, जब उसको आप टीम में साथ कैरी करते थे आप ये एक्सक्यूजेस देते थे कि आप दो कीपर्स को एक टीम में एक मैच में नहीं खिला सकते, नाउ यू कम टू अ पॉइंट जब आपने मोहम्मद रिजवान जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है बट यू स्टिल हैव पुट दिस द न्यू गाय द हारिस इनटू द टीम। यस तो तब क्या आपके रूल्स गए रिजवान और हारिस जमीन का बताओ बोल जो भी है नसीम भाई नसीम भाई जो भी है जो भी है सरफराज हैज वॉन यू द चैंपियंस ट्रॉफी। आप इस चैंपियन ट्रॉफी के पीछे हम इसको बस लगातार खिलाते रहे यार इस तरह तो नहीं होता। भजन बात ये है सरफराज ने जितना अच्छा खेला अच्छा खेला ठीक है हम उसके अगेंस्ट नहीं है लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया है ठीक है लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम। अगर आप बात करते हैं हारिस को क्यों खिलाया, रिजवान की एज है 29 ठीक है और हारिस की एज है 20 ओके तो सरफराज लुक्स मोर लाइक 35 जस्ट या ही इज डन विद हिज क्रिकेट। ओके हारिस को इसलिए चांस देना चाहिए कि वो सिर्फ अच्छा कीपर नहीं अच्छा बैट्समैन है बहुत अच्छा बैट्समैन है। आजकल की डे नहीं जो इंग्लैंड क्रिकेट खेलता है बिल्कुल हमें उसी जोनरा पे चलना है। मैंने उसी जोनरा पे जाना चाहिए क्लिप्स जिसमें वो ट्राई कर रहा है फाइनल एक्स ऊपर मारने की वो ट्राई कर रहा है थर्ड मैन से ऊपर मारने की मैंने ये हारिस की
हारिस के मैंने क्लिप्स देखे एंड आई एम लिटरली लविंग दैट। Yes. और ये मुझे फिर भी ये चीज फील होती है कि बहुत जल्दी जो है वो ये डिसीजन खान को क्यों जल्दी चांस दिया गया। शादाब खान को जल्दी चांस दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस, बस उसकी चलता है टीम में इतना। पाकिस्तान मोहम्मद आमिर को भी ऐसे ही चांस मिला था। ओ यार वो बाबर आजम के नजदीक है, उसके करीब है, बस उसको यही प्रॉब्लम पाकिस्तान में हमेशा आता है। यहाँ पे टीम में लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को बहुत इम्पोर्टेंट, ये चलता रहे। मैं आपको ये बताऊं, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो रिजवान को कोई खतरा हारिस से? नो, रिजवान इस तरह बंदा है नहीं। रिजवान इज अ ग्रेट गाय, इज अ लीडर है, एग्जैक्टली वो लीड बाय एग्जांपल करता है, वो बल्कि साथ लेके चलता है सब। फरहान साहब एंड नसीम भाई, लीडरशिप क्वालिटी, क्या आप लोगों को ये फील नहीं होता कि आप किसी प्लेयर के रिप्लेसमेंट को जब टीम में लेके आते हैं तो क्या उस प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं आता है? डोंट यू थिंक रिजवान के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आपने डाल दिया उसकी रिप्लेसमेंट टीम में? कभी भी नहीं है रिजवान, कभी, ये प्लेयर पे डिपेंड करता है, रिजवान सरफराज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि रिजवान की कैप्टनसी आप देखो, सरफराज की कैप्टनसी पीएसएल में देखो, रिजवान सरफराज चीखता था। आई डू एग्री विद दैट। इस चीज में मैं एक और बात ऐड करूंगा, इनकी बात में ऐड करूंगा कि रिजवान ने सरफराज को बायर नहीं किया, सरफराज ने खुद सरफराज खुद अपने आप कि रिजवान ने उसके ऊपर कोई रोल प्ले किया कि जी बहुत बर्डन डाल दिया और सरफराज के ऊपर, सरफराज की परफॉर्मेंस ही नहीं थी, खत्म हो गया था वो, उसको चांस पे चांस दिए जा रहे हैं। उसने तो खुद अपने आप के साथ बायर की। फरहान साहब मुझे सिर्फ इतना आप लोगों से पूछना है कि ये टीम अब आगे, क्योंकि हम बेसिकली अपनी जो शोज हैं इनको कंटिन्यू भी रखेंगे इंशाल्लाह आगे आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हाउ डू यू रेट दिस टीम कि आगे इनका इंडिया के साथ मैच है ऑस्ट्रेलिया? अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इस पे हम थोड़ा इस पे बात करेंगे माशाल्लाह कि बाबर पे और इमाम पे, दे आर डूइंग वेरी गुड। बाबर पे तो मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपके टीम बाबर इस टीम की बात बाबर और बाबर अनदर प्लैनेट। हां, वर्ल्ड क्रिकेट में ना इस वक्त अगर कोई टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन है ना, बाबर के बाद बाबर इज द टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन। टेस्ट में शायद रूट उसको थोड़ा टफ टाइम दे दे, बट नो, ही इज लाइक जो टीम है ना अमेजिंग टीम। मैं आपको बताऊं कि ये जिससे भी पूछते सब एग्री करेंगे, 92 के बाद इसमें सारा हाथ जो है ना वो इमरान खान की बहुत ज्यादा है। उसने जो सबसे ज्यादा खत्म किया, क्योंकि सारे जो लड़के आए ना इसी टीम में, सारे अपनी परफॉर्मेंस, कोई सफारिश कोई भी इस चीज पे नहीं आया, और ये 92 के बाद सबसे अच्छी टीम है, सबसे बेहतरीन टीम है। मैं आपको बता रहा हूं फरहान भाई, इसकी बैटिंग लाइन देखो, इसकी बैटिंग, इसकी बॉलिंग देखो, ये नहीं कह सकते जो 99 की टीम थी ना, 99 की टीम किलर थी। क्यों हार गई? बिकॉज उसमें से सफारिश दुनिया कह रहे, यूट्यूब भरा पड़ा है सर, देखो भरा पड़ा है, बट उस जैसा स्विंग सुल्तान था आज तक नहीं हुआ। दुनिया उसको मानती है, आप रिसर्च करो, यूट्यूब चेक करो, बिल्कुल सही राय चेक करो, ही सबसे ज्यादा। अगर आप आपने मैच की बात करनी है ना, यस, अगर आपने मैच फिक्सिंग की और गेम में बात करनी है तो फिर मैं आपको आईपीएल की ना बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ बैठे बैठे अलग चीज है। तो देखिए मेरे पास पाकिस्तान ने आज बेहतरीन खेला, पाकिस्तान ने आज जबरदस्त खेला, और बाबर आजम व्हाई यू आर, यस आई जस्ट वांट टू गिव यू, थोड़ा सा बात करो आप।
लास्ट वर्ड पे बाबर आजम इमाम पे और फखर को थोड़ा सा बीच में ला, क्योंकि फखर थोड़ा सा अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ बाबर आजम से। बाबर आजम के बारे में अगर बात करें, रिजवान के बीच में बोल, बाबर आजम ही इज नॉट बाबर आजम, यस ही इज बबर शेर। अब एक मैच जो भी करेगा उसका एक एक मैच के साथ उसका रिकॉर्ड जाएगा। सर इसके कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर मैं बताता हूँ आपको, बाबर आजम 3 बार लगातार सेंचुरियां करने वाला दुनिया का फर्स्ट प्लेयर है। 60 की एवरेज विद स्ट्राइक रेट ऑफ 87 टेस्ट रैंकिंग्स नंबर 1 इन T20 एंड नंबर 1 इन वन डे, वो भी कैप्टन एज अ कैप्टन लीडर जो के स्टैट्स है कि थिंक अबाउट इट, जब हम बात करते हैं T20 की अनबिलीवेबल 74 मैचेस में 2686 रन, 122 उसका बेस्ट है, 126 विकेट। और इस पे ये भी बताओ ना, इस पे ये भी बताओ जो साथ दे रहा है ना रजवान, जो फकीर बंदा साथ दे रहा है इसका सबसे ज्यादा इस पर इसका रोल भी है यार। रजवान के ऊपर मैं आऊंगा, बहुत मेहनती है रजवान ने, फकीर बंदा बहुत मेहनत की है। ठीक है जी फरहान साहब, अच्छा मैं बात कर रहा था कुछ बाबर आजम के बारे में। T20 की बात करें तो 74 मैचेस में 2686 रन विद हाईएस्ट ऑफ 122, एवरेज ऑफ 45.52, स्ट्राइक रेट ऑफ 130, एक सेंचुरी और 26 50। हम बात करते हैं ODI में तो ये किंग है जी, सीरियसली बिल्कुल कोई कंपैरिजन। लोग बात करते थे ना विराट कोहली बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उस समय, एक टाइम तक उसने बहुत कंसिस्टेंट, लुक ब्रदर, विराट कोहली चेज डाउन 360, बाबर आजम चेज डाउन 350 द अदर डे फ्यू अ मंथ अगो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सो ही इज कंपीटिंग ऑन एवरी लेवल। जस्ट गिव यू द नंबर्स, 87 matches, 4,364 runs, with a best of 158, with an average of 60, strike rate of more than 90, 1,700 and 1,850s. क्या चाहिए और? अब क्या मतलब इससे ज़्यादा क्या करें? मैं ये इससे ज़्यादा उसे क्या? तारीख में उसके साथ मैं आपको एक नई चीज़ बताऊँ। He's really a consistent. मुझे जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक as a fan of Babar hurt करती है, वो ये कि जैसा कि आप देखें कि जो रूट में भी जो इंग्लैंड को फर्स्ट मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड जितवाया फ्रॉम नोवेयर, उसने आगे सेंचुरी मारी, ग्रेट इनिंग्स, ठीक है रियली अमेजिंग, और यंगेस्ट एवर टू स्कोर 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल, और ही इज ऑन मार्च टू कंप्लीट 15,000 रन्स एंड ही कैन डू इजीली, या इट लुक्स दैट वे। नाउ टॉकिंग अबाउट द बाबर आजम, द नंबर ऑफ मैचेस दैट जो रूट प्ले and Babar Azam play, you can see a huge difference. Like it's a difference of around 40% of matches. Yes. अब Babar Azam को अपने test cricket में जब matches ही कम खेलने को मिलेंगे, then how would he compete with the Fab Four, with Williamson, with okay, with you're asking that Babar Azam is not in Fab Four. Okay. The analyst. I'm not talking about he's not in Fab Four. He's definitely in Fab Four. He's definitely in Fab Four. Yes. I can share the numbers with you. The other day I was reading the numbers. Kane Williamson, Steve Smith, or Virat Kohli. In tino ne pichle 2 saalon mein combined, like Virat Kohli iske saath ye kya jo root bhi inke saath tha. 8,000 runs pe they were together, like all four were at the same scores 2 years before. Naseem bhai, ek striking number aapke sath share karne laga hu. Joe Root ne pichle 2 saalon mein 2100 runs score kiya test mein. Kane Williamson, Virat Kohli aur Steve Smith ne milke 1400 runs banaye. विलियमसन के साथ
बाबर आजम फिलहाल दूर दूर तक बाबर आजम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। विलियमसन एक वॉरियर है, नो ही इज अ वॉरियर, उसने जो मैचेस खेले हैं ना अपने बलबूते पे, उसने जो जिताए हैं मैचेस ना, तो आपको बाबर आजम ने एक मिनट उसने जो स्ट्राइक रेट रोटेट किया है फिलहाल जो आप बाबर आजम को विलियमसन के साथ करने का ज्यादा वसीम साहब किधर बैठ के क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि फिलहाल स्टेप की बात करें लेकिन विलियमसन के साथ उसका अभी फिलहाल बाबर आजम को उसके साथ मुकाबले करने में बहुत टाइम लगता है। एक मिनट मेरी बात सुने, मैंने अभी आप सब स्ट्राइकिंग नंबर शेयर किया कि जो रूट ने पिछले दो साल में 9 सेंचुरियां की है ऐसे ही है तो उसकी अभी है 26 सेंचुरियां, मतलब 9 सेंचुरियां निकाल दे तो कितनी सेंचुरियां थी उसकी, तो 16 17 26 17। मतलब ये है कहने का कि इट जस्ट गिव्स यू वन इनिंग्स मैन, यू जस्ट नीड वन इनिंग्स टू टर्न द टेबल्स। And Babar Azam recently have scored 196 against Australia, and that was amazing. और मैं आपको wait a second. Since that time, he have scored how many hundreds? I guess 600-700. After that, in last 5 matches, he has scored 400s. Okay. Man, very good. Very consistency good. Is unbelievable. So can you give me just a second? Yeah. Okay. विलियमसन जो था ना उसने न्यूजीलैंड की टीम को ओडीआई में T20 में और टेस्ट में कहां से कहां तक पहुंचाया बता पता है सर, मुझे सर बताओ कहां से इसका आंसर मैं देता हूं इनको भाई यार मैं करो विलियमसन को जब बाबर आजम से कंपेयर करना एक बहुत बड़ा जुल्म है फरहान साहब विलियमसन के साथ पाकिस्तान की टीम में नंबर 6 पे नंबर 7 पे ओडीआई के साथ नंबर 8 पे टेस्ट में नंबर 8 में इस पे और मेरे ख्याल नसीम साहब T20 में सरफ मेरी बात सुने विलियमसन ने अपनी टीम में कितने ट्रॉफी जिताए और कहां से आता विलियमसन के साथ खुद खेला है अकेला के साथ ओपनिंग में गप्टिल ठीक है तो टीम को बनाया है ना मिडल ऑर्डर में टेलर ठीक है लोअर मिडल ऑर्डर में निशम ओके ठीक है एंड बॉलिंग की तो बात कोरे एंडरसन की बॉलिंग है एंड देन बॉलिंग में अगर आप आए तो ट्रेंट बोल्ट के बाद सऊदी वो और फर्गुसन ठीक है एंड एडम मिलने और उसके बाद इनका सैटनर ओके उनकी टीम देखें आप मुझे बाबर आजम के साथ बताएं कि बाबर आजम अच्छा इसका एक एग्जांपल लेता हूं इसके साथ जो आपने टीम गिनवाई है ना विलियमसन के साथ बहुत मजे की टीम है सिर्फ लीडरशिप की मैं बात करता हूं आप ये टीम को उठाओ और धोनी की लीडरशिप को चेक करो कोहली की टीम दोनों की कोहली की टीम धोनी से ज्यादा अच्छा था लेकिन धोनी एक वॉरियर था उसने एक लीडरशिप करके किधर से किधर की टीम पहुंचाया और विलियमसन ने किधर से किधर की टीम पहुंचाया भाई एक लीडर होता है वो आप इस पे नहीं कर सकते हो इस पे बात करेंगे वो डिस्कस से बात एज अ प्लेयर क्लास प्लेयर क्लास बट नॉट एज अ लीडर नो नॉट एज अ लीडर नॉट एज अ कैप्टन स्टार्टेड नहीं नहीं पाकिस्तान में जब से स्टार्टेड विनिंग पाकिस्तान जब से वो कैप्टन बना है उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेहतर हो गई है लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी इसको फिलहाल उधर तक कंपेयर न धोनी के साथ कंपेयर कर सकते हो और न उसको विलियमसन के साथ कंपेयर न पोंटिंग के साथ कंपेयर धोनी बाबर आजम मैन यू आर जस्ट ब्यूटी आप क्लास प्लेयर हो और इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी आप फ्यूचर में जारी रखो और टीम ने अगर साथ दिया रिजवान जैसे बंदे उसके साथ अब इस टीम में उसके पास प्लेयर्स आ गए हैं जो टीम बन जाने वाले हैं अब मैं आपको बताऊं रिजवान जैसा बंदा जब बाबर के साथ है ना इंशाल्लाह इसलिए तो मैंने आपको बोला कि 92 के बाद सबसे अच्छी टीम है उसके अलावा दिल करो इस बात को बहुत कहते हैं कि उसके बारे में बड़ी लेकिन फखर हमें जो बताओ फराज साहब फखर जमान ना बिग मैच प्लेयर बिग मैच अभी तक ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी तक ये अगर जितने भी मैचेस रहते हैं ना इसमें भी परफॉर्म ना करे
देन स्टिल ही इज योर फर्स्ट चॉइस जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हो, क्योंकि उसने बिग स्टेजेस के ऊपर परफॉर्म करने बिल्कुल नॉकआउट स्टेजेस के मैचेस पे ना वो करेगा उसका एक मैच लग जाता है तो आपकी टीम सीधी हो जाती है। हमारी पाकिस्तान की टीम को चाहिए मोमेंटम, जब विनिंग मोमेंटम आ जाते हैं देन देयर इज नो स्टॉपिंग। देखिए मेरी मेरी नजर में ये है कि अगर हम इस सीरीज को देखें ना तो ये बड़े हमारे लिए अहम सीरीज है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फखर जमान की पर जो फॉर्म है वो वापस आ जाए बेहतरीन हो जाएगा। इमाम अगर पर्ची भी है वो क्या आपकी बात सर, अगर पर्ची भी आपकी बात को मैं इसकी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ, एक कोर्ट से ना कोर्ट इसकी बात को मैं आगे लेके जाता हूँ। एक बंदे ने कहा था ना अगर इसी तरह पर्ची ना हमें 1000 मिले हमें कबूल ऐसे ही है। अगर इसी तरह से फॉर्म करे तो भाई लेके आओ सारी पर्ची। एग्री विद दैट, 5 मैचेस में उसके 2300 रन है 54 की एवरेज के साथ 9 सेंचुरियों के साथ। आई डू रिमेंबर, मुझे बताए कौन सा और ओपनर हमारे पास सर? हाँ हमारे पास बातें करो जो दोनों ओपनर्स हैं इन दोनों की एवरेजेस फॉर द फर्स्ट 10 मैचेस हाईएस्ट एवरेजेस इनकी हैं अबव 50। ये ओपनर्स में सबसे ज्यादा एवरेजेस हैं पाकिस्तान। फखर जमान को देखे ना उसके नंबर्स भी बहुत स्टैगरिंग है। 50 से ऊपर की एवरेज है मैचेस में 2400 रन विद एन एवरेज ऑफ 46 स्ट्राइक रेट ऑफ 95। ये भी डिप डाउन हुई है। यस एग्जैक्टली 55 पे बिल्कुल था इसका एग्जैक्टली। तो ये सब 55 पे था। ये स्टैगरिंग नंबर्स हैं, इसको आप इजी नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ अभी इमाम है, फखर है, खुशदिल है, शादाब खान बचल। अब बैटिंग जो है ना हमारा बहुत परफेक्ट है। अभी अलार्मिंग सिचुएशन ये है बॉलिंग का, जो ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाता है। मतलब अभी है आपकी जो बात है कि मैं ऐसा इशू चल रहे हैं, लेकिन वो अभी बॉलिंग में हो जाएगा तो इंशाल्लाह बैटिंग का होगा। हमें जो है एक ऑलराउंडर जो है ना, एक से दो ऑलराउंडर नवाज एक अच्छा है। मुझे मुझे लगता है कि खुशदिल कुड बी वन ऑफ द। मुझे मुझे ये लगता है कि अभी जो हमारा लोअर ऑर्डर है ना, जिसको आप हिटिंग जोन कहते हैं, जो आखिरी 5-6 ओवर में आपको 10 के एवरेज से स्कोर करके दे सकते हैं, मुझे वो थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट एंड इनएक्सपीरियंस्ड ही भी लगता है। इनएक्सपीरियंस होना भी समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग। वो क्यों? क्योंकि अगर वो इनएक्सपीरियंस आपको ये इस तरह के टफ मैचेस में से निकालना शुरू कर दे ना, तो दे बिकम किलर्स, दे बिकम लाइक क्लास प्लेयर्स, दे बिकम क्लास प्लेयर्स। तो अभी हम ये अपने रिजी की बात करें, ये जो अपना रिजी है ना, ये बंदा चीता है जी, यकीन मानो। इंशाल्लाह हम लोग अपने आगे जितने भी मैचेस हैं आने वाले, उन सब मैचेस में आप लोगों के साथ अपनी आरा, अपनी डिस्कशंस और अपनी ये चिट चैट आपके साथ जरूर शेयर करते रहेंगे। साहब भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। वी आर गियरिंग अप फॉर द बिग इवेंट दैट इज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इंशाल्लाह उससे पहले पहले विल प्लान ऑल द टीम कि किस प्लेयर को कहां पे होना चाहिए, एंड इंशाल्लाह वी विल डू अ वेरी गुड एनालिसिस ऑन दैट। जी नसीम भाई साइन ऑफ करते हैं। बस थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह हम हाजिर होते बाकी बहस के साथ। दैट्स इट। चले जी आज के हमारे इनसाइड एज से हम आपको अलविदा करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट इनसाइड एज के साथ आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो सबको, बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह अगले मैचेस में भी बेहतरीन खेलेंगे। अल्लाह हाफिज़।